ये सब ना, देखो मैं तुम्हारे को गलत नहीं बोलना चाहता, पर ये बहुत दर्द मेकिंग प्रोसेस है। पर प्रोसेस के बाद जब तुम बाहर निकलोगे ना, इस प्रोसेस से जब तुम बाहर निकलोगे ना, पता है तुम्हें रिलेटिव्स कैसे होते हैं? मैं तुम्हारे को समझाता हूँ, मेरे साथ का एक्सपीरियंस बताता हूँ तुम्हारे को। जब तक मैं 10th के अंदर में, यहाँ पे कितने लोग हैं 90+ वाले, 90% 10th में, 90+ परसेंटेज थे, 95+ वाले क्या खाया रे तुम लोगों ने, 80-90 कैटेगरी, 70-80 कैटेगरी, 60-70 कैटेगरी, 60-70 कैटेगरी बराबर, 50-60 कैटेगरी, 40-50 कैटेगरी, फोर्टी एट परसेंट प्योर बैक बेंचर, प्योर। हम वो लोग थे जो स्कूल के पंखे टेढ़े करते थे। ऐसा कंपॉक्स रखते थे, पेन निकालते थे, ये काम हमारे काम थे, ये हमारे धंधे वाले काम थे, राइट। सो यू नो, पीछे लड़की के पीछे बैठ करके भाभी है तेरी, ये हमारा कैटेगरी था, समझ रहे हो, ये हमारा कैटेगरी था। तो मैंने जब 48% लाया, प्लस स्कूल के वो पीटीवीटी मिला करके 5-6%, टोटल बना 56, 48 वाज बोर्ड। सो मैंने जब आया, रिलेटिव वाज लाइक, तू सी ये करेगा, हमें स्कॉलर से ये करते हैं, डीमोटिवेट किया। मैं यू नो आईपीसीसी, हमारे टाइम आईपीसीसी होता था, आईपीसीसी में फाउंडेशन तो लग था, रिजल्ट अच्छा लगा ना, तुम्हें भी ये सुनने को मिला होगा इस बार, रिजल्ट बहुत अच्छा आया ना, तेरे बच्चे को भी करा देती उल्टा कमीनी, करवा के तो देख, पुश्तों में किसी ने किया है क्या, समझ आएगा, करवा के तो देख कितना लक काम करता है। इतना इजी लगता है यार लोगों को, दे सिंपली लक था ना, हो गया। इस बार तो पेपर भी इजी आए थे, हाँ तूने लिखे थे ना, यार गलत बात, तुम इंटर पास हो, मैं इंटर पास हो गया, इंटर पास होने के बाद फाइनल में गया, हाँ अच्छा है, मतलब अटेम्प्ट लगे ना, कोई बात नहीं, पर हो जाता है, मतलब यू नो बच्चा हो ही जाता है अल्टीमेटली, सी कॉलेज नहीं है, सेमेस्टर नहीं है। फाइनल पास होने के बाद दे वाज लाइक, होशियार तो तू हमेशा से ही था, अब तो तू भी कहेगी, ये होगा तुम्हारे साथ भी होगा। और साला इतना बैंग ऑन करना ना, एक बात मेरी याद रखो मेरा बच्चा, परसेंटेज तुम्हारा स्किल कभी डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है? और एक पेपर, दैट इज योर मार्कशीट, कैन नेवर डिसाइड वेयर यू कैन गो इन लाइफ, यस वेयर यू कैन गो इन लाइफ। 48% पे अगर मैं ये उम्मीद छोड़ देता कि यार मैं कुछ बन सकता हूँ, तो शायद मैं कभी यहाँ पे नहीं पहुंच पाता, मैं कभी यहाँ पे नहीं पहुंच पाता। एक चीज जो तुम्हारे को तुम्हारे लाइफ में लीड करने के लिए चाहिए ना, वो है खुद पे भरोसा, कि साला कोई और भरोसा करे ना करे, तुमने अपने ऊपर भरोसा करना और एक विजन लेकर के आगे बढ़ना, कि साला मेरे को यहां तक तो पहुंचना ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, पहुंचना ही है। उसके लिए पागलों जैसी मेहनत करनी पड़ती है। गिवन अ चांस, किसी को मेहनत करने के लिए मजा नहीं आता, गिवन अ चांस किसी को मजा नहीं आता। अब तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो यू नो मेरा लाइफ सेट है, मेरे हिसाब से देखा जाए साला सीए बनने के बाद भी पढ़ ही रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से मेरा लाइफ सेट है, मेरे हिसाब से साला सीए में बनने के बाद भी रोज सुबह उठना तो 5:30 बजे ही पड़ रहा है, समझ रहे हो। बट हाँ एक बात याद रखे, लाइफ की जर्नी में ना आपके और मेरे हर एक के कुछ गोल्स है, और ये गोल्स हमें अचीव करने होंगे, राइट। वी ऑल आर इन द सेम गेम बट एट डिफरेंट लेवल्स, ये बात समझ के चलो। मैं आपसे शायद 5-7 साल आगे हूँ, आप मेरे से 5-7 साल पीछे होंगे, लेकिन एक बात का एश्योरेंस मैं जो आज आपको दे सकता हूँ ना, ये कोर्स मिनिमम में इतना मैक्सिमम देगा कि तुम परेशान हो जाओगे। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि तुम परेशान हो जाओगे कि साला पैसा तो है, मैं इसको खर्चू किधर। ईमानदारी से मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बोल रहा हूँ, आप खुद परेशान हो जाओगे, अबे खर्चू किधर। पहली बात, खर्चने के लिए चाहिए टाइम जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं रहेगा, जो तुम्हारा दिन भर। अभी मेरे को एक बात बताओ, तुमने इधर इधर बैठे के कुछ भी कैलकुलेट कर लिया, बैठा तो मैं सुबह 7 से 10 प्रेस्टीज कही हूँ, खा तो मैं सादा दाल चावल ही रहा हूँ जीवन में,
तुम परेशान हो जाओगे कि मैं करूँ क्या इस पैसे का। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल पॉइंट, ठीक है, एक मोटिवेशन का पार्ट दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, एक ध्यान से सुनना, मोटिवेशन वाला पार्ट दे रहा हूँ, बहुत जरूरी है और जितने जल्दी दूं उतना अच्छा। सर क्या होता है कि आपकी इच्छा है, सी एज अ यंगस्टर हमारी इच्छा क्या होती है, सोच के देखो, एज अ यंगस्टर हमारी इच्छा क्या होती है, हमारे पास एक यू नो स्वैंकी मोबाइल होना चाहिए, हाइट पकड़ लो 1.5 लाख रुपए पकड़ लिया मोबाइल का, या एप्पल या सैमसंग का जी फोन 1.5 लाख रुपए सबसे हाईएस्ट। अपने पास और क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एप्पल का लैपटॉप पकड़ लिया 1.5 लाख रुपए, टोटल कितने हो गए 3 लाख। अपने पास क्या चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, 1 लाख रुपए जोड़ दूं ब्रांडेड कपड़े के, 2 लाख जोड़ दूं, 5 लाख, ठीक है। ब्रांडेड जूते चाहिए, 10,000 के जूते पहन लोगे, हाँ 80,000 के जूते पहन लोगे, 1 लाख के, हाँ आते हैं ना, क्या तकलीफ है, जोड़ दो 1 लाख और, 6 लाख, 1 लाख का जूता पहनोगे, सब तरीके का जूता चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्राउन चाहिए, स्नीकर्स चाहिए, यू नो लोफर चाहिए, सब कैटेगरी का एक एक उठा के लेके आएंगे अपन, 1 लाख जोड़ दो इसमें, ठीक है। परफ्यूम ले लोगे, 50,000 के परफ्यूम जोड़ दो, 50,000 के परफ्यूम जोड़ दो, एक ही बॉटल आएगी, आएगी तो सही ना, ठीक है। 20,000 के बेल्ट जोड़ दो, हर कलर का एक चाहिए, जोड़ो ना, हाईएस्ट कॉस्ट पे जोड़ते रहो, कितना हो गया 76, बराबर है। एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, 4 लाख जोड़ दो, BMW की स्पोर्ट्स बाइक ले ली, 4 लाख जोड़ दो, पहुंच गए 10 पे, 11 लाख, ठीक है। और क्या चाहिए, एक अच्छा सा लेदर बैग चाहिए, जब ऑफिस जाओ तो एक अच्छा सा लेदर बैग चाहिए हाथ के अंदर में, 10,000 और जोड़ दो, बराबर है। एक वॉच चाहिए, 50,000 और जोड़ दो, रोलेक्स की उठाई तुमने बेसिक वाली, बराबर, कितने पे पहुंचे, 12 पे पहुंचे। एक अच्छा हेयर कट दोगे, ऐसे झिपरे जैसे थोड़ी ना होगे बे, एक अच्छा हेयर कट दोगे, अब वो नाई के पास तो जाओगे नहीं जो पीपल के पेड़ के नीचे काट रहा है बाल, बराबर, 1,500 रुपए उसके भी जोड़ दो। अब पहली बार सीए बने, अपने मम्मी पापा के लिए भी एक गिफ्ट लोगे, ठीक है, 50,000 उसके जोड़ दो, पापा के लिए सूट लेके आया, मम्मी के लिए साड़ी लेके आया, फिर वो अपने भिकमंगे भाई बहन अरे भिकमंगे भाई बहन भी तो है ना, सीए बनी है ना, भिकमंगे भाई बहन भी है अपने, जो छोटे वाले जिनको तो पैदा ही गलती में किया है वो नहीं, तुम अपने छोटे भाई बहन को बोलते हो तेको तो बेटा उठा के लाए हैं, हाँ हाँ वही वाले, उनके लिए भी 50,000 का कुछ खरीद लिया, बराबर हो गया। और 5 लाख रुपए ETC, और 5 लाख रुपए जोड़ दो ETC एवरी ईयर, ठीक है, कितने पे पहुंचे, एवरेज पैकेज अटेम्प्ट लगाने के बाद भी आज है 9 लाख रुपए का, तुम्हारे जितने सपने तुम आज देख रहे हो 2 साल में कंप्लीट है। अब बोलो, कार और घर, ये 2 चीजें और आ गई, कार और घर जोड़ दो इसके अंदर में, उसका तुम पे करोगे EMI 15 साल के लिए, मैक्सिमम ये है EMI 1 लाख रुपए जोड़ डालो, बहुत हो गया 3 लाख रुपए जोड़ डालो, स्टिल एवरी ईयर यू आर अर्निंग 9 to 10 लाख रुपीज। 5 साल बहुत हो गए सब खत्म करने के लिए, जिसमें मैं समझ रहा हूँ 9 लाख ही तुम कमाओगे एवरी ईयर, पर ऐसा होगा नहीं, तीसरे ईयर से तुम्हारा इनकम पर मंथ 1 लाख के ऊपर चालू हो जाएगा, ये मेरा गारंटी, 1 लाख रुपए पर मंथ के ऊपर तुम अर्न करना चालू कर दोगे, 12 लाख 15 लाख रुपए रैंक वगैरह में आ गए तो ये पैकेज सीधा 17-18 लाख रुपए पहले साल के। 5 साल के बाद ना तुम परेशान हो जाओगे, अब मैं इसका करूँ क्या, तुम्हारे जितने बेसिक सपने हैं ये तो सब पूरे हो गए, फिर तुम सोचोगे आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना है, लड़के 1 लाख बहुत हो गए जिसको नहीं समझा पोगो आस्था भैया, 1 लाख बहुत हो गए, जाना आना 2 बार जाके तुम कहां जाओगे, नेपाली ना, तुम नेपाली समझ रहे थे ना, या उससे थोड़ा आगे, बराबर यही जाओगे तुम, बराबर ना, लड़कियां हो सकता है यूरोप चले जाए एक बार का घूमने के लिए, 5 लाख और पकड़ लो, पर तुम समझो ना, पहले 5-7 साल बहुत हो गया, 10 साल तुम्हारा सारा खत्म हो जाता, तुमने जितना सोच रखा है सब खत्म हो जाता, इसके आगे ना तुमको समझ ही नहीं आता तुम पैसे का करोगे क्या, इसके बाद सब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, 32 इंच का टीवी को 55 ला लोगे,
2BHK को 3BHK कर लोगे, समझ आ रही है बात? तुम सिर्फ इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसके बाद में एक प्रॉपर्टी के बाद दो प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी के बाद फार्म हाउस, फार्म हाउस के बाद तुम बोलोगे साला और क्या लेने का है, शेयर्स ले लोगे, यूलिप्स ले लोगे, 1 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी ले लोगे। अबे करोगे क्या? दिन भर तो सुबह 7 बजे से रात में 10 बजे तक ऑफिस में रहोगे, उड़ाओगे किधर? बट हाँ एक बात समझो, ये कोर्स तुमको देगा। बट हाँ एक और बात है जो इस चीज के साथ आती है, और वो ये कि ये आगे के 30 साल अगर तुमको मजे से चलने हैं ना, ये 3 साल की ना ऐसी तैसी पूरी करानी पड़ती है, ये 3.5 साल ऐसी तैसी पूरी करानी पड़ती है। कोविड वाला टाइम था साहब, सिर्फ 3 प्रोफेशन ऐसे थे जिसको बाहर निकलना अलाउड था, पुलिस, डॉक्टर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दिस इज योर वैल्यू, समझ आ रही है बात? CA बनते ही ना तुम्हारे को इंस्टीट्यूट की तरफ से एक कार्ड मिलता है, यू आर कंसिडर्ड एज गुड एज ए कैटेगरी ऑफिसर। 2 से 3 बार टोल नाके पे ऐसा हुआ है, मैंने लिटरली ऐसा कार्ड निकाल करके दिखाया, कार्ड में लिखा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्रिएटेड बाय सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। टोल वाले को समझ में ही नहीं आया, उसको लग रहा पार्लियामेंट से कुछ है। पावर है वे तुम्हारा, तुमको एक कैटेगरी ऑफिसर्स पे काउंट किया जाता है, तुम्हारे हाथ में पावर है। एक बैलेंस शीट को किधर घुमाना है ये तुम्हारे हाथ में है, समझना, एक बैलेंस शीट को किधर घुमाना है तुम्हारे हाथ में, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे जाएंगे ये तुम्हारे हाथ में है, कंपनी क्या स्टेटमेंट देगी ये तुम्हारे हाथ में है। साला तब तक छोड़ने का नहीं और अपने आप को बख्शने का नहीं जब तक के घर के बाहर की नेम प्लेट चेंज ना होकर के तुम्हारा नाम ना आ जाए CA-, तब तक अपने आप को बख्शने का ही नहीं। ईमानदारी से बोलता हूँ, 4.5 साल तुम्हारी हालत कुत्तों के जैसी रहेगी, कहाँ खा रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, किधर सो रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आएगा तुमको, और एकदम फ्रस्ट्रेटेड फील होगा। क्यों? क्योंकि तुम दिन भर ही इधर बैठे हो, कॉलेज है नहीं, इधर उधर देख सकते नहीं, समझ आ रहा है, और बाकी कुछ बचता नहीं, समझ आ रही है बात? क्योंकि सुबह जब तुम उठोगे ना डायरेक्ट ऐसे उठोगे और रात में जाके डायरेक्ट ऐसा आएगा चद्दर खत्म। लड़कियां तो भी रूम साफ कर लेगी, लड़कों का तो एक ढेर बनेगा नहीं जब तक जब तक एक रूम में ढेर नहीं बनेगा तब तक के कुछ ही नहीं होने वाला। अभी क्या हो रहा है, तुम नए नए हो, अभी तो तुम्हारे बैग से एक एक प्रेस किए हुए कपड़े निकल रहे हैं। एक हफ्ते बाद देखो क्या होता है। लेकिन मैं आप सबको एक चीज बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ साहब, इतना मजा आता है ना जब पहली बार आपके डैड अपना ऑफिस का रिबन काटेंगे ना आपका, बिलीव मी, भारत में, देश में, वर्ल्ड में कितना भी पैसा ना, अपने पापा की आंख का वो खुशी जो है ना ये तुमको खरीद के ही नहीं दे सकता। पहली बार पापा आपके ऑफिस का ऐसा रिबन काटेंगे ना, अंदर जाएंगे, तुम्हारा केबिन देखेंगे, तुम्हारे केबिन के अंदर में ऐसा नाम लिखा होगा तुम्हारा, मार्बल का पूरा टेबल होगा, और आ करके ना तुम्हारे डैड बोलेंगे जा करके बैठ, एंड यू विल से नहीं पापा आप बैठो। इमेजिन अ ब्राउन कलर लेदर चेयर, व्हाइट मार्बल के साथ बना हुआ एक पूरा का पूरा टेबल, छोटा सा येलो कलर का नाइट लैम्प, सामने एप्पल का एक टीवी जिसको तुम कंप्यूटर बोल के यूज कर रहे हो, और पीछे लिखा हुआ होगा CA तुम्हारा नाम, और नीचे लिखा होगा इवन गूगल आस्क अस व्हाट टू डू। एक बार सोच करके देखो ना इस कोर्स का वैल्यू यार, एक बार इस कोर्स का वैल्यू सोच के देखो, ऐसा खड़े होने का। इधर बहुत सारी कंपनीज है, इधर बहुत सारे ट्रस्ट है, 130 करोड़ की जनता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, फिल्म स्टार्स है, ऐसा एक बार सबको नजर घुमा के देखना और पूछने का अपने आप से, किसको मेरी जरूरत नहीं है। एवरी सलमान खान रिक्वायर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट डू नॉट रिक्वायर सलमान खान, दैट्स आवर पावर। समझ रहे हो आपको, हम कुछ भी देख सकते हैं, उनको हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है देखने का, एंड दैट्स योर पावर बॉस, दैट्स योर पावर। जब तक बनते नहीं तुम्हारा सिग्नेचर रहेगा, बनने के बाद ही ऑडिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा, जब तक बनते नहीं तब तक तुम्हारा सिग्नेचर रहेगा, समझ आ रही है बात? और दूसरी बात बेटा, हमारे काम MRP पे नहीं चलते, शकल देख के चंदन लगाना पड़ता है, समझ में आई बात? बात समझो, जो तुम्हारा दोस्त साइंस में गया, आर्ट्स में गया, पैसा तो वो भी कमा ही रहा है,
may or may not be we require them, but they definitely require us. They definitely require us. तो कोई किधर भी गया, जहां बात पैसे की आई हम हैं, और अपन ने पैसा छोड़ना है, फावड़ा लेके घूमने का दोनों हाथ में, जहां से बोले कैच कैच सी। समझना, एथिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन बुक्स। 3.5 साल अगर इधर ऐसी तैसी करवाई ना, एक रुपया भी छोड़ने का नहीं। मान के चलो गांधी जी के तुम प्योर भक्त हो और तुम्हें उनकी हर फोटो तुम्हारे जेब में चाहिए, वो छोड़ने का नहीं। 3.5 साल क्या कर रहे हैं यहां पे, ऐसी तैसी करवा रहे, बर्थडे छोड़ रहे, खुद का बर्थडे, उसका बर्थडे, यस इतने झगड़े किए, घर वालों से दूर रहे। अबे सैक्रिफाइस की कोई कीमत होती है ना, छोड़ने का नहीं, एक रुपया भी नहीं छोड़ने का, जहां से मिल रहा है बटोरो, छोड़ने का ही नहीं। स्टॉक मार्केट, अबे हमको समझता है, साइंस वालों को थोड़ी समझता, पी रेशो क्या होता, कंपनी के बैलेंस शीट्स क्या है, अपने को समझता है, साइंस वालों को थोड़े पैसा वो भी कमाएंगे, उनको समझेगा थोड़े ना इसके साथ करना क्या है। समझ आ रही है बात, दिमाग में बिल्कुल फिक्स रखने का बेटा, कंप्लीट करने का, और कंप्लीट करने के बाद सारे ड्रीम्स अचीव करने के, बिल्कुल बख्शने का ही नहीं। और हाँ, जब ऐसा करते रहोगे ना, ऐसे डर के काम नहीं चलेगा, डर के काम नहीं चलेगा, फट के बाहर आना पड़ेगा। इमेजिन करना, जिस दिन नोटबंदी हुई थी, मैं आपको बताता हूँ सर, एक बस छोटा सा ग्लिम्स बताऊंगा, अभी आपको छोड़ना है, बाकी का बाद में बताऊंगा। जिस दिन नोटबंदी हुई थी, मैं 8 बजे बैठा हूँ, 8 बजे बैठा हूँ, और देश मेरे को मालूम ही नहीं था, मैं लेक्चर लेके आया, राइट, पल्लवी खाना बना रही, और इतने में भाई और बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे। मेरे पास 2 मोबाइल है, दोनों मोबाइल धनाधन बजने चालू हुए। पहला कॉल उठाया, भाऊ का कॉल था, भाऊ तुम्हाला वाढदिवसची हार्दिक शुभेच्छा, भाऊ का कॉल, विजय उठा, अमाउंट उठा जल्दी से। अब उस टाइम पे कई रूमर्स फैल रहे थे कि रेड पड़ जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, जल्दी से उठा बोले। मैंने बोला ये टाइम है कमाने का। एक मेरी बुआ जो ऐसे कभी फोन नहीं करेगी, अचानक से फोन किया, हाय विजय कैसा है बेटा, बेटा बेटा तेरे फुफाजी ना, तेरे फुफाजी का 60 पड़ा हुआ है, तो कैसे करेगा, मतलब बुआ जी 4%। रिलेटिव हो, घर पे आओ, खाना खाओ, आराम से, धंधे में कोई रिलेटिव नहीं, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, धंधे में कोई रिलेटिव नहीं। बुआ जी क्या तू पागल है क्या विजय, 4% लेगा तू, मैं नहीं, सामने वाला ले रहा, ये अपने को मालूम है कौन ले रहा, बोलने का नहीं, अपने को मालूम है कौन ले रहा, 4% खत्म विषय। मैंने बोला ये कमाने का टाइम है, अपन कन्वर्ट करते दे रहे, रिस्क 100% ले रहे, कमाने का टाइम है। मैं बाहर निकल रहा, मैडम विजय मैंने खाना बनाया, मैंने बोला बेटा सुन, मैं तेरे को ना JW मैरिट में पूरा 1 महीना खाना खिलाऊंगा, आज रोकने का नहीं। दैट्स योर पावर ब्रो, दैट्स योर पावर, यस। और इसके लिए तगड़े से मेहनत करना, बिल्कुल अपने आप को लीनियंट मत छोड़ना। इज दैट डन?